हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। सो हम लास्ट एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स पढ़ रहे थे, उसके बाद में नेक्स्ट फाइलम पे हम आके रुके थे, जिसका नाम है एकिनोडर्माटा। ठीक है, एकिनोडर्माटा जो पहले तो इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो एकिनोडर्माटा दो वर्ड से बना हुआ है, एकिनो और डर्माटा। एकिनो का मतलब होता है स्पाइक या तो फिर थॉर्न या तो फिर स्पाइन, और डर्माटा का मतलब होता है स्किन। तो जिस स्किन के ऊपर स्पाइन्स है या फिर स्पाइक है, कांटे हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स की स्किन के ऊपर काटे हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे एकिनोडर्माटा में डाला हुआ है। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटल ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल एंड हेंस द नेम एकिनोडर्माटा। कैल्केरियस ओसाइकल्स मतलब जो कैल्शियम जैसे हार्ड सब्सटेंस के बने हुए, उसमें थॉर्न्स रहते हैं यूजली। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज दे रखी है जहाँ पे जितने भी एकिनोडर्माटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो मेनली जो आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स के फोटोज दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि ऑल आर मरीन। सबसे पहले सारे एकिनोडर्माटा वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे मरीन है। ठीक है, मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले, सी में ही देखने को मिलते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते। फिर दूसरी बात है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा टिश्यू सेल लेवल से तो आगे हम बहुत सारे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के पूरा सिस्टम्स बनाते हैं, उसी सिस्टम से पूरा बॉडी ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ठीक है, तो एडल्ट एकिनोडर्मस आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले तो हमें ये बात नोटिस यहाँ करनी है कि इसमें लार्वल स्टेज आता है। इनके डेवलपमेंट में मतलब जब ये बच्चे होते हैं तब लार्वल स्टेज होता है, जब बड़े होते हैं तब जाके इसमें एडल्ट स्टेज में जो बायलेटरल रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, मगर जब लार्वा होती है तब इसकी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री रहेगी। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट है। इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है, हर एक एनिमल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो प्रेजेंट होता है, मगर जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाकी जिसको में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है उसको डिप्लोब्लास्टिक हम कह देते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। दूसरी और बात है कि सिलोमेट है, इसमें ट्रू सिलोम रहेगा, मतलब इसकी जो अंदर की जो कैविटीज है दूसरे सिस्टम से और बाहर के जो स्किन वाला जो पार्ट है उसके बीच में ट्रू सिलोम एक कैविटी रहेगी, वो ट्रू रहेगी। ठीक है, मतलब मीजोडर्म इसका है वो अच्छी तरह से कैविटी बनाएगा, तो इसीलिए इसको सिलोमेट में कहा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। ठीक है, कंप्लीट मतलब खाना खाने से लेके खाने को पूरा डाइजेस्ट करके बाहर निकलने तक एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। विद माउथ ऑन द लोअर मतलब वेंट्रल मतलब नीचे की साइड जहां पे माउथ उसका देखने को मिलेगा, एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड, और अपर साइड में क्या रहेगा, एनस। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक एडल्ट स्टारफिश है, स्टारफिश की यहाँ पे एनस दिख रही है, और इसके सेम एनस के बिल्कुल पीछे नीचे की साइड मतलब कि लोअर साइड उसमें माउथ देखने को मिलेगा। हमेशा वेंट्रल और डोर्सल वर्ड का मतलब होता है वेंट्रल मतलब नीचे का, डोर्सल मतलब ऊपर का। तो ये चीज देखने को ये याद हमें रखनी है कि इसमें एनस और माउथ दोनों अलग अलग है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकिनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन। मतलब इसमें एक वाटर वास्कुलर सिस्टम होती है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जो किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, और रेस्पिरेशन करने में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो एग्जांपल में स्टारफिश दिया है कि द स्टारफिश वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स द वाटर प्रेशर दैट ऑपरेट्स द एनिमल्स ट्यूब फीट। तो यहाँ पे एनिमल की ये ट्यूब फूट है, ठीक है, ये इसकी रेडियल कैनाल है, और ये वाली रिंग कैनाल है, और ये है मेड्रिपोराइट। तो मेड्रिपोराइट में से वाटर इन होता है और यहीं से ही आउट होता है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से अगर वाटर आता है तो ये देखिए ये जो रिंग कैनाल है वो सारी जितनी भी रेडियल कैनाल है, ये सीधी कैनाल उससे कनेक्टेड है, सारी रेडियल कैनाल है वो ट्यूब फूट मतलब ये जो बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उससे कनेक्टेड है। तो उसी में से जो वाटर की इनकमिंग और आउटगोइंग होगी, इसी के थ्रू इसका रेस्पिरेशन भी होगा, जो भी खाना वाना जो पानी में जो भी उसका खाना पानी के साथ अंदर जाएगा उसका वो भी काम इसी से करता है, और लोकोमोशन पानी के बहाव से जो आने जाने के बाद इसके जो टेंटेकल्स जैसा ये पार्ट है तो ये भी मूव करते हैं, तो इससे इसका लोकोमोशन भी
होता है। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मतलब मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होके रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इसमें देख लीजिए यूजुअली एक्सटर्नल है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा, तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें लार्वल स्टेज आती है जो कि बाइसिमेट्रिकल है, और जो बड़ा जब हो जाता है तब वो रेडियल सिमेट्री रहती है, ठीक है। तो इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा होता है उसमें इसका डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स में एस्टेरियस जो हम सब जानते हैं जिसको स्टार फिश कहते हैं, फिर आता है एक्कीनस मतलब सी अर्चिन जिसको कहते हैं, एंटीडोन सी लिली। इसके सारे जो नाम्स हैं ना वो किसके हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से दिए गए हैं ज़्यादातर, ठीक है, या तो फिर उसके रिजेम्बलेंस के हिसाब से। जैसे सी अर्चिन हो गया तो सी अर्चिन जो दूसरा अर्चिन मतलब कांटे वाला जो चूहा हो गया, कांटे वाला जो जंगली चूहा होता है जिसको हेजहॉग भी बोलते हैं, तो हेजहॉग जैसा दिखता है इसलिए उसको सी अर्चिन बोल दिया। स्टार फिश स्टार की तरह दिखता है, सी लिली मतलब जो कमल के फूल की तरह होता है मगर पानी के अंदर रहता है, तो इसको सी लिली कह दिया। ये कुकुमारिया तो सी कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह इसका शेप होता है तो इसीलिए। ये ओपीफूरा ब्रिटल स्टार, तो ये ब्रिटल होता है बिल्कुल, क्योंकि आराम से उसको हाथ भी लगाए टूट जाएगा। तो इसी ये जो फाइलम में जितने भी एग्जाम्पल्स इसके हैं सारे उसके रिजेम्बलेंस या तो फिर उसके कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे एस्टेरियस जिसको स्टारफिश कहते हैं। स्टारफिश और सी स्टार इज कॉमन एक्विनोडर्म इन द सी वाटर, ये सबसे कॉमन है। हम जनरली देखते हैं कि अगर समुद्र किनारे कहीं पे भी घूमने गए तो वहाँ पे स्टारफिश मतलब मरा हुआ स्टारफिश हमें देखने को मिलता है। मरने के बाद वो एकदम जैसे वो कोई कैल्शियम कार्बोनेट वाला कोई पार्ट पड़ा है पत्थर जैसा हो जाता है, तो इसी तरह हमें देखने को मिलता है। इट्स जूलॉजिकल नेम इज एस्टेरियस रूबेंस, तो यहाँ पे इसका जूलॉजिकल नेम दिया है एस्टेरियस रूबेंस। द जीनस एस्टेरियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द 100 स्पीसीज, तो स्टार फिश के बहुत सारे स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें एस्टेरियस जीनस के पीछे स्पीसीज कितने हैं, 100 स्पीसीज अलग अलग है जिसका रिजेम्बलेंस वगैरह अलग है। द बॉडी ऑफ एस्टेरियस इज स्टार शेप्ड एंड लुक्स लाइक अ सी स्टार, इसकी जो बॉडी है वो कैसे स्टार शेप की है और सी स्टार की तरह दिखती है। फिर आता है एक्कीनस, ये तो फिर सी अर्चिन, तो इसमें देख लीजिए आप कांटो कांटो जैसा दिखता है। सी अर्चिन एनी ऑफ अबाउट 950 लिविंग स्पीसीज ऑफ द स्पाइनी मरीन इनवर्टेब्रेट एनिमल्स विद अ ग्लोब्यूलर बॉडी एंड अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ अ ऑर्गन्स, तो ये 950 के आसपास इसके स्पीसीज है, इनवर्टेब्रेट है, तो वो तो हमें पता ही है कि ये सारे भी एक्नोडर्म से, उसमें कोई भी वर्टेब्रेट नहीं है, सारे इनवर्टेब्रेट से, मतलब किसी में भी वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। विद द ग्लोब्यूलर बॉडी, ग्लोब्यूलर बॉडी क्यों, क्योंकि ग्लोब जैसा है पूरा राउंड है इसलिए, शोन बाय एंड अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ अ ऑर्गन्स, तो इसकी भी सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, अरेंजमेंट इसका रेडियल अरेंजमेंट है। शोन बाय 5 बैंड्स ऑफ पोर्स रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ओवर द टेस्ट इंटरनल स्केलेटन, तो इसमें 5 बैंड दिखते हैं ऐसे, यहाँ पे मान लो माउथ है, नीचे के साइड में एनस है, तो वहां से यहाँ तक ऐसे 5 टोटल, अगर आप तरबूज को देख ले तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो लाइन जैसे जाती है पूरा बेल्ट जाता है, उसी बेल्ट की तरह इसमें भी बैंड्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है एंटीडोन जिसको सी लिली भी बोलते हैं या तो फिर समुंदर का कमल भी बोल सकते हैं। तो अ क्रिकोइड मरीन इनवर्टेब्रेट एनिमल्स क्लास ग्रिनोइडिया एंड फाइलम एक्नोडर्मेटा इन विच द एडल्ट इज फिक्स्ड टू द सी बॉटम बाय स्टॉक, तो इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि एडल्ट इज फिक्स्ड विद द सी बॉटम बाय स्टॉक, तो मतलब सी लिली की तरह दिखता है, कमल की तरह है एनिमल, मगर ये जो स्टॉक है ना इससे वो जब एडल्ट हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब छोटा होगा तब वो लार्वल स्टेज में होगा, फ्री स्विमिंग होगा, मतलब समुद्र में इधर उधर घूमता रहेगा, मगर जब वो एडल्ट स्टेज में होगा तब वो जो सी बॉटम है, जो सी का जो नीचे का बॉटम है उसके साथ वो जुड़ जाता है, उधर एक स्टॉक मतलब एक स्टॉक्स के साथ इसकी है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है, तो इससे वो जुड़ जाता है। फिर आता है कुकुमारिया या तो फिर सी कुकुम्बर, तो इसका रिजेम्बलेंस कुकुम्बर की तरह जैसे ककड़ी के जैसा है, तो इसलिए इसको सी कुकुम्बर कहते हैं, ठीक है। इनवर्टेब्रेट्स दैट सर्कमस्टेंस आर क्लास विद इन द फाइलम एक्नोडर्मा, तो इनवर्टेब्रेट है किसके अंदर का, एक्नोडर्मे का। तो सॉफ्ट सिलिंड्रिकल बॉडी 2 to 200 सेंटीमीटर, तो इसकी साइज मैंने स्पेसिफिकली इधर मेंशन की है क्योंकि याद रखना है हमें
0.75 इंच मतलब 1 इंच से भी कम की भी हो सकती है और 6.5 फीट लंबी भी हो सकती है, ठीक है। एंड 1 to 20 cm मतलब 0.4 से 8 इंच तक जो मोटी हो सकती है। तो आप सोचो इसकी साइज कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी छोटी हो सकती है। इज यूजुअली अ डल डार्क कलर एंड ऑफन वार्टी दस रिजेम्बलिंग अ कुकुम्बर। तो इसमें वार्टी मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वार्ट जैसा स्ट्रक्चर मतलब मस्से जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है और कुकुम्बर की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसको कुकुमारिया या तो फिर सी कुकुम्बर कहते हैं। द इंटरनल स्केलेटल इज रिड्यूस्ड टू न्यूमरस डिस्टिंक्टिवली शेप्ड टाइनी कैलकेरियस स्ट्रक्चर्स ओसाइकल्स इन द स्किन। तो इसके अंदर जो है वो टाइनी ओसाइकल्स मतलब छोटे छोटे थोन जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि कैलकेरियस है मतलब कैल्शियम बेस्ड बने हुए देखने को मिलते हैं। फिर आता है ओपिफुरा जिसको हम ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाए, मतलब जिसको गुजराती में हम कचोकड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटल स्टार इसलिए है क्योंकि इसके अगर पाँव पाँव अगर हाथ भी लगाओगे ना तो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो आसानी से ये टूट सकता है, इसके लिए इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं जिसको साइंटिफिक नेम है ओपिफुरा ओफियोरा, ठीक है। द कलर ऑफ द ब्रिटल स्टार ओफियोरा वेराइज फ्रॉम द डल ब्राउन टू सैंडी ऑरेंज। तो इसका डल ब्राउन से लेके सैंडी ऑरेंज ऑरेंज कलर जैसा दिखने को मिलता है। द डिस्क इज टू अबाउट 35 mm इन डायमीटर एंड द आर्म्स आर अबाउट 4 times एज लॉन्ग एज द डायमीटर ऑफ द डिस्क। मतलब ये जो डिस्क है ये डिस्क होती है और ये 5 आर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डिस्क है ना वो 35 mm जितनी बड़ी होती है और डिस्क से 5 गुने बड़े होते लंबे होते इसके टेंटेकल्स। द डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेस ऑफ द डिस्क इज कवर्ड विद द प्लेट्स। तो इसके जो डिस्क के जो डोर्सल वो नीचे का और वेंट्रल आगे का जो ऊपर का जो सर्फेस है वो किससे कवर होते हैं, प्लेट से कवर होते हैं। द आर्म्स आर मेड ऑफ आर्टिकुलेटिंग कैलकेरियस स्पीसीज दैट अलाउज कंसिडरेबल ट्विस्टिंग इन द लेटरल प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे 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 बहुत सारे कैलकेरियस छोटी छोटी हड्डियों जैसे बने हुए पीसीस से पूरा आर्म इसका बनता है, पूरा टेंटेकल उसी तरह से बनता है और जिससे वो छोटे छोटे बहुत पीस में बना हुआ है इसीलिए वो थोड़ा मूवमेंट भी कर सकता है। फिर अब नेक्स्ट फाइलम आ जाता है हेमिकोर्डेटा। तो ये लास्ट वाला फाइलम हमने देखा है इकिनोडर्मा, उसके बाद आता है हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा क्या है कि हेमिकोर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। तो पहले क्या था जो फाइलम कोर्डेटा है, कोर्डेटा कौन सा फाइलम है जिसने भी वर्टेब्रेट है और कॉर्डेट है, नोटोकॉर्ड जिसने भी प्रेजेंट है वो सारे कॉर्डेट में होंगे। तो पहले जो हेमिकॉर्डेटा था वो भी पहले कॉर्डेटा के अंदर ही आता था बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। मतलब अभी उसको अलग करके हेमिकॉर्डेट करके एक अलग फाइलम ही दे दिया, ठीक है। मतलब इसको जो कॉर्डेटा फाइलम है उसको उससे अलग कर दिया, ठीक है। तो वैसे हेमिकॉर्डेटा वर्ड है ना वो हेमी और कॉर्डेटा दोनों से बना हुआ। हेमी मतलब कोई भी चीज को, हेमी मतलब हाफ, हेमी को आप हाफ या तो फिर एक साइड का या तो फिर कम कम मात्रा में। तो ये कम कॉर्डेटा है या तो फिर हाफ कॉर्डेट है इसको, मतलब पूरा नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं रहता, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर्स रहेंगे मगर प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा कहा गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक वर्म जैसे, ये बहुत ध्यान से देखना है कि वर्म जैसे है जैसे एस्केलेमेंथेस और प्लेटिहेलमेंथ इसमें हम देखे थे वर्म, उसी की तरह इसमें वर्म लाइक मरीन एनिमल्स समुद्र में रहने वाले एनिमल्स है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है मगर है वो वर्म लाइक। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, मतलब कंप्लीट एनिमल वाले पूरे इसमें करेक्टर्स है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब मिजोडम भी इसमें प्रेजेंट रहेगा और सिलोमेट है जिसके सिलोम है वो ट्रू सिलोम है। यहाँ पे मैंने दिया है एक का एग्जाम्पल कि द बॉडी कि द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड इज कम्पोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इसकी जो बॉडी है वो सबसे पहले तो प्रोबोसिस 3 पार्ट में इसमें डिवाइड की है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, ये वाला ट्रंक है और आगे जाके ये इसका हेपेटिक रीजन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और लास्ट में होता है एंड। तो इसमें पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी कंप्लीट नहीं होती मगर डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप मतलब हार्ट है वो सीधा टिश्यू पे ही ब्लड फेंकेगा, वहीं पे उसका सारा सारा काम होगा और फिर वापिस हार्ट में आएगा। तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम उसी को बोलेंगे जिसमें वेजल्स होते हैं और जैसे आर्टरी के थ्रू ब्लड गया तो वेन के थ्रू वापस आया, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसी को हम कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ये है
ओपन टाइप, उसको हम बोलेंगे क्लोज टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द जिल्स, तो इसमें जिल्स रहेंगे, यहाँ देखिए जिल्स है, जिल स्लिट्स है जिसके थ्रू इसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, तो इसकी एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सी है, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। सेक्सिस आर सेपरेट, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग सेक्सिस रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसमें भी एकिनोडर्मेटा की तरह फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, पहले लार्वा स्टेज देखने को मिलता है और बाद में वो एडल्ट होके पूरा स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है। अब इसके दो एग्जाम्पल है कि बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसस सबसे पहले देख लेते हैं, ये भी ये जो अभी हम जो इमेज देख रहे थे वो बेलेनोग्लोसस की थी। बेलेनोग्लोसस इज अ वॉर्म सिमिलर टू प्रोटोकोर्डेट, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट जो हम आगे पढ़ेंगे उसी की तरह सेम दिखने वाला एक वॉर्म है। इट लिव्स इन अ बरो इनसाइड द सैंड ऑफ सी वाटर इंटरडियल रीजंस, ठीक है। तो सी वाटर के में सैंड मतलब रेत के नीचे यूजुअली देखने को मिलता है। इट लिव्स इन द ट्यूब्स हैविंग इट शेप्स एंड दिस ट्यूब्स ओपन एट बोथ हैंड्स, मतलब उस ट्यूब्स में रहते हैं जहाँ पे बोथ हैंड्स से वो ट्यूब्स खुली देखने को मिलती है। डायमेंशंस ऑफ दिस स्पीसीज आर 3 सेंटीमीटर, इसके डायमेंशन 3 सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर तक देखने को मिलता है। और यह है सेकोग्लोसस। सेकोग्लोसस कैन बी फाउंड इन द कोस्टल मड एंड अ सैंड हैबिटेट ऑफन नियर बेस, मतलब ज़्यादातर बेस के आसपास देखने को मिलता है और सैंड हैबिटेट में। तो हमने देखा था कि ये जो बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस दोनों ही सैंड वाले देखने को मिलता है, मगर सैंड है वो मरीन में देखने को मिलता है, मरीन में गहरे समुंदर नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे भी देखने को मिलता है, मगर ये तो बेस में मतलब खाड़ी वाला जो एरिया है उसमें भी देखने को मिलता है। फिर अब आते हैं हम अपने मेन, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम, और जो हमारे आसपास का फाइलम है वो है कॉर्डेट्स, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में आते हैं, कॉर्डेट्स में आप देख लीजिए हर एक चीज़ हमारे से लेके सांप ये मतलब जितने भी रेप्टाइल्स है या तो फिर फिशेस वगैरह है और जितने भी मैमल्स है या कोई मतलब जितने भी सारे एनिमल्स हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि जिसकी सेंसरी और न्यूरल सिस्टम बहुत अच्छी है वो सारे कॉर्डेट्स में आते हैं। कॉर्डेट्स मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। आगे जाके जैसे जैसे कॉर्डेट्स में इम्प्रूवमेंट होता है वैसे उसमें वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड भी कम्प्लीटली देखने को मिलता है। जैसे हम है ह्यूमन के अंदर वर्टेब्रल कॉलम है और उसमें कम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। पहले तो इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने दिए रखे हैं तो वो आपको याद रखने की 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ दी कॉर्डेट। कॉर्डेट किसे कहेंगे जिसके 4 डायग्नोस्टिक, मतलब ये 4 अगर फीचर इसमें से कुछ है तो वो पक्का कॉर्डेट ही है, ठीक है। ये 4 फीचर्स अगर है तो वो पक्का कॉर्डेट ही है। तो ये उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स मैंने दिए गए हैं कि सॉलिड अनजॉइंटेड स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड बिटवीन द होलो नर्व कॉर्ड एंड द एलिमेंट्री कैनाल, तो नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड कहाँ कैसा रहेगा कि सॉलिड अनजॉइंटेड मतलब कहीं पे जॉइंट नहीं है और सॉलिड है मतलब ठीक है, स्टिफ मतलब ऐसे मजबूत है मगर वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो सकता है रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से कहाँ तक डोर्सल साइड से लेके नर्व कॉर्ड के बीच, नर्व कॉर्ड ये जो पीछे जो नर्व कॉर्ड दिख रहा है वो और एलिमेंट्री कैनाल ये दोनों के बीच में अगर प्रेजेंट रहेगा ये नोटोकॉर्ड, ये एक कैरेक्टर हो गया किसका, कॉर्डेट्स का। दूसरा क्या है कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तो यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो येलो कलर का दिख रहा है ये है अपना होलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मतलब हमारे जो नसें जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स वगैरह जो होता है पूरा ना स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, तो वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। फेरेंजियल जिल स्लिट्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स में ऐसे जिल स्लिट्स ये देखने को मिलती है, ये देखिए ये इसके फेरिंग्स है इसके साइड में जिल स्लिट्स देखने को मिलती है। और टेल ये वाला पार्ट है वो है टेल, ये तो पोस्ट एनल टेल ही बोल सकते हैं इसको, जैसे पोस्ट एनल टेल इसलिए यहाँ पे जैसे एनस हो गए तो इसके पीछे तक फिर भी टेल एक्सटेंड होती है तो इसको पोस्ट एनल टेल बोलेंगे। तो ये 4 जो डायग्नोस्टिक फीचर कॉर्डेट्स के देखने को मिलते हैं, पहले तो नोटोकॉर्ड, दूसरा है कि नर्व कॉर्ड जो डोर्सल होलो है, ठीक है, जिल स्लिट्स और टेल मतलब पोस्ट एनल टेल, ठीक है। एनिमल बिलोंगिंग्स टू दिस फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसे मैंने अभी समझाया नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल जिल स्लिट्स, पेयर मतलब दोनों साइड ही जिल स्लिट्स रहेंगे, ठीक है।
दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल यूजली होते कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट बायलेटरली सिमेट्रिकल ही है, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब मेसोडर्म सब में प्रेजेंट रहता है। सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट ये लोग है, और विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें देख लो तो पता चल जाएगा कि कंप्लीटली जो सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कोई है ना, वो सारे कौन से है, कॉर्डेट्स। दे पोजेसिस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पोस्ट एनल टेल भी मैंने आपको बताया था किस तरह से पोस्ट एनल टेल है, एनल कैनल के पीछे भी इसमें टेल वाला जो पार्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, हार्ट वेजल्स के थ्रू ब्लड को सर्कुलेट कराता है पूरी बॉडी में, डायरेक्टली ब्लड कश टिश्यू में नहीं होता। अब इसमें जो एक टेबल दिया गया है जिसमें कंपेयर किया है कॉर्डेट्स क्या है और नॉन कॉर्डेट्स क्या है, इसमें क्या एब्सेंट है क्या प्रेजेंट है। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ये सबसे मेन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा है कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो एंड सिंगल, मगर नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, पीछे की साइड होता है, आगे की साइड होता है, सॉलिड थिक होता है और डबल होता है, ठीक है। फेरिंग्स इसका परफोरेटेड बाय द जिल स्लिट्स होता है, इसमें जिल स्लिट्स नहीं होता। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल। पोस्ट एनल पार्ट मतलब टेल इज प्रेजेंट, इसमें पोस्ट एनल पार्ट एब्सेंट रहता है। तो बहुत ईजी है पढ़ने के लिए, ये NCERT में दिया गया है, ये पूरा टेबल उसने दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब फाइलम कॉर्डेटा है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइलम है तो इसको बहुत फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको 3 सब फाइलम में डिवीजन किया है कि यूरोकॉर्डेटा है, सेफेलोकॉर्डेटा है और वर्टेब्रेटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इन तीनों में से भी सबसे बड़ा है वर्टेब्रेटा, तो उसको 2 और डिवीजन किया है, एगेंथा और नेथोस्मेटा, ठीक है। तो नेथोस्मेटा और एगेंथा, तो एगेंथा वगैरह मतलब जो के हिसाब से इसमें जो प्रेजेंट है कि नहीं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया, फिर इसको क्लास में डिवाइड किया, फर्दर क्लासेस में, सब क्लास में और ऑर्डर में। तो इसके हिसाब से यहाँ तक हमें इस पूरे कॉर्डेट्स को पढ़ना है। अब सबसे पहले जो हमने 3 पार्ट देखे थे कि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा क्यों डिवीजन अलग दिया है, सेफेलोकॉर्डेटा क्यों दिया है और वर्टेब्रेटा क्यों दिया है, तो ये तीनों का हमें आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा। तो वर्ड यूरोकॉर्डेटा क्या है, यूरोज मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। कि सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड एज दी प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो जो इसकी सेकंड वाला, इसके बाद वाला फाइलम है, बाद वाला क्लास है कौन सा है, सेफेलोकॉर्डेटा, सब जो सब फाइलम है इसका। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा उन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है, और ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है, इन लार्वा एंड इन एडल्ट इट डिसअपीयर्स। तो पहले तो नोटोकॉर्ड वाली बात हो गई, तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें जब लार्वा वाला स्टेज होगा तभी उसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट देखने को मिलेगा, मगर जैसे जैसे वो एडल्ट बनेगा तो उसका नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाएगा, इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेट कहा गया है, खाली टेल में ही नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। व्हाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, मगर जो सेफेलोकॉर्डेटा है जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, और वो फुल लाइफ में जब एडल्ट भी बन जाएगा तो वो देखने को मिलता है। एडल्ट्स इन यूरोकॉर्डेटा आर जनरली सेडेंटरी, सेडेंटरी मतलब कोई एक ही जगह पे रहने वाला है, फिक्स सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो इसमें जो यूरोकॉर्डेटा में जब लार्वल स्टेज होगी तब वो मूविंग होगा, मगर जब वो एडल्ट बन जाएगा तब एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रहेगा और वहीं पे रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है बिकॉज एडल्ट बॉडी इज एनक्लोज विद द लेदरी टेस्ट और ट्यूनिक फॉर्म्ड ऑफ सेलुलर्स लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस टर्म्ड एज द ट्यूनिसिन। इसकी जो बॉडी है, ठीक है, एडल्ट बॉडी जब बनती है तो एंट्रोस विद उसके ऊपर एक लेदरी कवर रहता है, वो कवर किससे बनता है, ट्यूनिसिन। तो ट्यूनिसिन से बना हुआ कवर होता है जो कि सेलुलर जैसा है, ठीक है, इसीलिए इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एस्किडिया और सेल्पा। अब सबसे पहले देखते हैं एस्किडिया, तो क्लोजली सिमिलर टू
हार्डमेनिया। तो हार्डमेनिया क्या है वो हम आगे देखेंगे। हार्डमेनिया क्या है वो इसी के एस्किडिया के जैसा ही दिखता है कि मरीन सोलिटरी सेडेंटरी लिविंग इन टेम्परेट सी, मतलब टेम्परेट मतलब जो सी में ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी पाना ही नहीं है, वैसे वाले एरिए में देखने को मिलता है। ये कैसा है, मरीन है, समुंदर सोलिटरी, सिंगल सिंगल ज़्यादातर देखने को मिलता है, और सेडेंटरी मतलब सेडेंट हो जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही टिक जाते हैं। इसकी सेकंड सब जो सब फाइलम है जो हमने हमने देखा है अभी, इसके सेकंड आती है वो सेफेलो कोडेटा। सेफेलो मतलब हेड, कोडेटा मतलब नोटोकोड, जिससे मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे नोटोकोड है वो हेड से लेके टेल तक पूरा बना हुआ है, और वो एडल्ट जब बहुत बन जाता है तब तक रहता है, तो उसको कहेंगे सेफेलो कोडेटा। बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा आर मोटाइल। तो हमने अभी देखा था कि यूरोकोडेटा में एडल्ट मोबाइल नहीं है, वो एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, मगर लार्वा मोटाइल था, ठीक है, मगर इसमें लार्वा और एडल्ट दोनों ही मोटाइल है। नोटोकोड हेड टू टेल, उसमें क्या था यूरोकोडेट्स में, नोटोकोड खाली और खाली टेल में था, वो भी लार्वल स्टेज में, बड़ा होकर डिसअपियर हो जाता था, मगर अब यहाँ नोटोकोड हेड से लेके टेल तक देखने को मिलता था। नोटोकोड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब लास्ट एडल्ट फेज तक या तो फिर एडल्ट से डेथ तक नोटोकोड इसमें जरूर देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल्स है ब्रेकियोस्टेमा या तो फिर एम्फियोक्सस, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह है ब्रेकियोस्टेमा, इसकी डिटेल्स हम नहीं पढ़ेंगे, मगर फिर भी इसमें थोड़े सिंपली बता दूँ कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे माउथ से लेके एनल पार्ट तक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका भी क्लोज है, पूरा हार्ट वगैरह हर चीज़ देखने को मिलता है। इसमें नोटोकोड भी प्रेजेंट देखने को मिलता है, और मतलब जो पीछे दिख रहा है येलोइश वो है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। तो ये इसका इमेज मैंने दे रखी है जो आप इजीली। अब लास्ट वाला आता है वर्टेब्रेटा। तो अभी हमने देख लिया यूरोकोर्डेटा सेफेलोकोर्डेटा, उसके बाद आता है वर्टेब्रेटा या तो फिर क्रेनिएटा। तो इसको क्रेनिएटा क्यों कहा गया, क्योंकि क्रेनियम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्रेनियम मतलब कि हमारी जो खोपड़ी है ना, उसको क्रेनियम कह सकते हैं, जहाँ पे कोई भी सेंसरी चीज है, मतलब हमारा ब्रेन एक डब्बे में पैक है, जैसे क्रेनियम में पैक है, तो इसको क्रेनिएटा कहा गया है। वर्टेब्रेटा इसलिए कहा गया क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। तो मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा पोजेसिस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जैसे हम सब में नोटोकोड होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, जब इसका हमारा जो गर्भ में डेवलपमेंट हो रहा होता है तब तक। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन द एडल्ट, जो कि आगे जाके जैसे जैसे एडल्ट बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे होता है, तब उसमें जो नोटोकोड था ना वो कार्टिलेजियस बन जाता है। कार्टिलेजनेस को, कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी में ही जो सॉफ्ट हड्डी है उसको हम बोल सकते हैं कि हड्डी का ही एक सॉफ्ट वाला पार्ट, तो वो पूरा नोटोकोड एक हड्डी जैसा बन जाता है, और पूरा क्या बनाता है वर्टेब्रल कॉलम, हमारा जो पूरे पूरे जो वर्टेब्राज है हेड से लेके पूरे सेक्रम तक, मतलब सर्वाइकल थोरेक्सिक ये सारे लंबर और सेक्रल सारे वर्टेब्रेज है, वो कैसे बनता है नोटोकोड का ही फर्दर डेवलपमेंट है। दे हैव अ क्रेनियम अराउंड द ब्रेन, क्रेनियम जैसे हमारी खोपड़ी है, तो ब्रेन के ऊपर पूरी कवरिंग ये देखने को मिलती है, ठीक है। क्रेनियल कर्व, क्रेनियम हमेशा बोन से बना रहता है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ सेफेलाइजेशन, मतलब इसका सेफेलिक डेवलपमेंट बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छी तरह से सेफेलिक डेवलपमेंट। सेफेलिक मतलब हमेशा रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है, रिलेटेड टू हेड। तो यह हमारा जो हेड का डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। थस ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सी बात बोली है इन्होंने कि थस ऑल द वर्टेब्रेट्स, जितने भी वर्टेब्रेट्स है ना वो कॉर्डेट्स है, मतलब उसमें कॉर्डेट जो नोटोकोड था प्रेजेंट था, मगर सभी नोटोकोड वाले वर्टेब्रेट नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टेब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट विद टू थ्री और फोर चैम्बर्स, ठीक है। तो ये बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर तो इसका है कि जिसमें कॉर्डेट मतलब नोटोकोड रहेगा, वर्टेब्रेट कॉलम रहेगा, मगर इसके साथ एक मस्क्यूलर हार्ट। मस्क्यूलर हार्ट यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा हार्ट ना पावरफुल होता है, मसल अच्छी तरह से अरेंज होते हैं, उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, कोई जो अलग खून जो अच्छा खून है वो ले जाने वाली चैम्बर अलग, जो खराब खून है वो बाहर धकेलने वाली चैम्बर अलग, ये तो फिर उसको अंदर लानी है तो फेफड़ों तक धकेलने वाली चैम्बर अलग। तो हर एक जो वर्टेब्रेट्स है उसमें ये हार्ट जो मस्क्यूलर हार्ट रहेगा, और उसमें अलग अलग चैम्बर रहेंगे, किसी में दो रहेंगे, किसी में तीन रहेंगे, किसी में चार चैम्बर का हार्ट रहेगा। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन,
किडनी होती है कि जिससे एक्सक्रीशन मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेगी। और ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी में पानी का भी कितना पानी रखना है और कितना खराब पानी है उसको बाहर निकालना है वो भी उसके लिए किडनी काम करती है। एंड इन पेयर अपेंडेजेस ठीक है विच में बी फिंस और लिम्स, तो इसमें हाथ वगैरह भी हो सकते हैं। पेड अपेंडेजेस ही देखने को मिलता है मतलब दोनों साइड हाथ जो काम करने के या चलने के लिए अपेंडेजेस या तो फिर हाथ पैर देखने को मिलते हैं। अब ये जो सब फाइलम वर्टेब्रेट है उसको फर्दर डिवाइड किया है ठीक है। तो डिवाइड डिवीजन खाली हम देख लेते हैं कि जैसे अग्नेथा और नेथोस्टोमेटा ठीक है दोनों टाइप का है। अग्नेथा है जिसमें लैक्स ऑफ जो जिसमें जो नहीं है ठीक है। जो मतलब हम जो खाना खाते हैं हमारे दोनों जबड़ा जिसको बोल सकते हो जबड़े वाली चीज है और इसमें जबड़ा नहीं होता जिसमें जबड़ा होता है और जिसमें जबड़ा नहीं होता। और इसके क्लास में एक ही आता है साइक्लोस्टोमेटा और जिसमें जबड़ा है मतलब नेथोस्टोमेटा में कितने सुपर क्लास है उसके दो और पार्ट में डिवाइड होता है एक एपिसिस और दूसरा है टेट्रापोड जिसमें बियर फिंस है और इसमें लिम्स है। तो फिंस वाले कौन से है कॉन्ट्रिक्टिस और ओस्टिक्थिस ये दोनों मतलब मछलियाँ वगैरह इसमें देखने को मिलता है। और टेट्रापोडा में देखने को मिलेगा हमें एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स और मैमल्स।